तो अपन इस पे आ जाते हैं। एक्चुअली ऊपर इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत आवेदन पत्र लिखा है, लेकिन यूजुअली जब आप आरटीआई 48 आवर्स की लगाते हैं, मतलब 48 घंटे के अंदर जीवन और स्वतंत्रता, लाइफ और लिबर्टी, इस तरह से जब कोई मामला रहता है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा है, कोई पुलिस उसको या कोई व्यक्ति इस तरह से परेशान कर रहा है, अथवा जीवन पर संकट है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल पा रही हैं उनको, या कि अन्य ब्लड उनको चाहिए, ब्लड नहीं मिल पा रहा है किसी हॉस्पिटल में, मेडिकल फैसिलिटीज इमरजेंसी में उनको नहीं मिल पा रही है, इस स्थिति में आप 48 आवर यानी कि 48 घंटे के भीतर आरटीआई लगा सकते हैं। धारा 7(1) के तहत आती है। एक आवेदन का फॉर्मेट आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कार्यालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में, ये कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये लगाया गया था, फूड डिपार्टमेंट में। विषय में आप देख सकते हैं आरटीआई 2005 अधिनियम की धारा 6(1) एवं 7(1), इसमें जीवन जीने का 6(1) की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, पर कोई भी आवेदन जब आप देते हैं तो 6(1) आप लिख सकते हैं, ऑब्लिक यहाँ पे लगा सकते हैं, स्लैश 7(1) जिसमें जीवन जीने का अधिकार सम्मिलित है, के तहत 48 घंटे के भीतर जानकारी उपलब्ध करवाए जाने बाबत। तो इसमें आपका जो मैटर है महोदय, कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत निम्नलिखित जानकारी, यहाँ पे स्लैश आप लगा सकते हैं, 7(1) के तहत निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। यद्यपि आपने यहाँ पर विषय में ये बात का जिक्र कर दिया है 7(1) का, तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं, यहाँ पे 48 घंटे के भीतर भी आपने लिख दिया है, पर जहाँ भी आप जिक्र करें तो आप इस स्लैश लगा करके 7(1) भी लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत सरई कला जनपद पंचायत गंगेओं में हितग्राही खिलाड़ी कोल, समग्र परिवार आईडी इनकी दी हुई है 44 69 71 08। लालमणि यादव, समग्र परिवार आईडी इनकी दी हुई है 33 86 27 55, कि पिछले 1 वर्ष से के खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की सूची पात्रता पर्ची की छाया प्रति, कब कब खाद्यान्न मिला है अथवा नहीं मिला, और जब जब नहीं मिला तो क्या कारण थे, कृपया उक्त जानकारी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आरटीआई की धारा 7(1) और उसके प्रावधानों के तहत 48 घंटे में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यद्यपि आपने देखा है कि यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नवाचक शब्द भी उपयोग किए हैं, कब कब और कारण क्या थे, ये दो चीजें आपने देखा है, तो कब कब ये हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं तो किस किस महीने आपने खाद्यान्न वितरित किया है ये मतलब ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है, ये मतलब तय है कि आप को खाद्यान्न वितरित हुआ है तो तब तब वितरित हुआ है। पर फिर भी कभी कभी लोग सूचना अधिकारी अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझते हैं, तो उस स्थिति में आपको इन शब्दों से परहेज करना पड़ेगा। और यहाँ क्या कारण थे, ठीक है कारण आप मांग सकते हैं, कारण की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खाद्यान्न जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, पर कहते हैं कि दस्तावेज उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन कोई कारण अपन नहीं ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, ठीक है हमने पूछ लिया था। फिर दूसरे पॉइंट में हमने लिखा था ग्राम पंचायत सरई कला जनपद पंचायत गंगेओं में जनवरी 2019 से फरवरी 2020 तक की खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण की सूची उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। अब देखिए, जैसे 48 घंटे की आरटीआई हमने लगाई, लेकिन जो दूसरा वाला हमारा बिंदु था, ये आप सबको ऐसा पता चल रहा होगा कि ये 48 घंटे से ठीक है खाद्यान्न से संबंधित है, लेकिन खाद्यान्न किस व्यक्ति को चाहिए, किस परिस्थिति में उसका खाद्यान्न बंद हो गया है, और कैसे वो 48 घंटे के भीतर आएगा जीवन जीने के अधिकार से, तो शायद ये वाला प्रश्न लोक सूचना अधिकारी इस वाली क्वेरी को लेकर के कह सकते हैं कि ये 7(1) के तहत नहीं आती है लाइफ एंड लिबर्टी। हम ठीक है मानते हैं कि लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत नहीं आती है, कोई बात नहीं, पर खिलाड़ी कोल एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, जो ये आप देख रहे हैं खिलाड़ी कोल यहाँ पर है ना, ये खिलाड़ी कोल 60 साल के बुजुर्ग हैं, इनका खाद्यान्न बंद हो गया। लालमणि यादव का परिवार गरीबी रेखा का है, बीपीएल, दोनों बीपीएल के हैं, अति गरीबी के हैं, और इनका खाद्यान्न बंद हो गया। एक व्यक्ति तो खिलाड़ी कोल जो है वो बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर के हैं, तो इनके लिए तो निश्चित तौर पर जीवन का संकट है। और लालमणि यादव का भी एक बीपीएल कार्ड होल्डर व्यक्ति है, और यदि उसका खाद्यान्न बंद हो गया है तो
गरीबी रेखा का व्यक्ति है उसके लिए जीवन जीने का संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए इसमें दोनों बिंदु साथ एक के अंतर्गत आते हैं और इनको जानकारी देना अनिवार्य है। हमने RTI लगाया, हमने साथ एक का मेंशन किया, हमने यहाँ पर IPO संलग्न किया, किस दिनांक का है, 6/2/2020 का है रीवा में, और अपना जो भी रहता पता से हम लिख दिया, हमने पावती ले ली वहां पर भेज करके, ठीक है, ये हमारा एक आवेदन हो गया। अब जब मैंने ये आवेदन लगाया तो जो उस समय 7(1) धारा क्या होती है, 48 घंटे की RTI क्या होती है, इस विषय में लोक सूचना अधिकारी लगभग अनभिज्ञ थे। खैर, लोक सूचना अधिकारी तो कई मायनों में अनभिज्ञ रहते हैं, लेकिन देखिए किरण नारायण जी, आपका स्केच वो आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप बैक जा करके वो करिए। हेलो किरण नारायण जी, इसको आप सेलेक्ट करके अपना वो करिए, क्योंकि आपने कुछ स्केच का यहाँ पे यूज कर लिया है अपने मोबाइल से। तो इन्होंने 7(1) को 6(1) ही समझ लिया और इन्होंने हो गया सोचे कि एक महीने के बाद हम जानकारी जो भी है हम देंगे, ठीक है। तो हमने चूंकि 48 आवर्स का मामला था, ये आपने स्केच का कुछ फिंगर से शायद कुछ यूज कर लिया स्क्रीन पे, तो यहाँ पे रेड आ गया, इसको आप ही वहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमने इसकी प्रथम अपील की, ये प्रथम अपील का भी मैं आपको आवेदन दिखाऊंगा। प्रथम अपील का मैं जस्ट आपको आवेदन दिखाता हूँ। सर, उसमें लालमणि का एक बच्चा बहु विकलांग भी था, ये बताना चाह रहा था जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट आउट आपने किया हुआ है। अपन एक बार फिर स्क्रीन शेयरिंग पे आएंगे और अब आपको हम बताएंगे लालमणि यादव की बात आपने कही है किरण नारायण जी ने, और बहुत ही सही उन्होंने बात कही है कि वो बहु विकलांग थे, तो इसलिए वो और भी ज्यादा उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि जिनको लाइफ और लिबर्टी का मामला आ जाता है, कि बहु विकलांग यानी कि मानसिक रूप से विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग और हर तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए भोजन रोक देना कितना बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। फिर इन्होंने जब हमें 48 आवर्स के अंदर कोई जवाब नहीं दिया, तो हमने इसके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी। अपन जब प्रथम अपील प्रस्तुत करते हैं तो हमेशा धारा 19(1) के तहत एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, इस तरह से प्रतिश्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय, अब प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय जहां भी बैठते हैं, तो उस समय हमें शायद ये भी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं था कि प्रथम अपीलीय अधिकारी इसके जिला कलेक्टर कार्यालय में ADM होते हैं, तो मैंने स्लैश भी लगा दिया था कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जिला कलेक्टर कार्यालय जिला कलेक्टर बिल्डिंग जिला रीवा। हमने ये आवेदन वहां पे दिया, हमने इसका जिक्र किया, हमने कहा महोदय मेरे द्वारा आपके कार्यालय में दिनांक 6/2020 को RTI 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, इसलिए यहाँ पे 7(1) भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए, जिसमें दो बिंदुओं पर जानकारी चाहिए गई थी, जो ग्राम पंचायत सरई कला जनपद पंचायत गंगेयों के खाद्यान्न में वंचित दिव्यांग परिवार एवं पीड़ित हितग्राहियों के विषय में थी। किसी गरीब और दिव्यांग अथवा बहु विकलांग दृष्टि से अक्षम हितग्राही के खाद्यान्न को उसे ना प्रदान किया जाना मानवाधिकार के घोर उल्लंघन की श्रेणी में के साथ साथ RTI 2005 की धारा 7(1) के अनुसार जीवन जीने के अधिकार से वंचित करने की श्रेणी में भी आता है, जिसे 48 घंटे में आवेदक को प्रदान किए जाने का प्रावधान होता है कानूनन, परंतु 48 घंटे बीत जाने के उपरांत भी जानकारी ना प्रदान किया जाना यह दर्शाता है कि आपको ना तो RTI 2005 के नियम कायदों की कोई परवाह है और ना ही मानवाधिकार की सुरक्षा की। अतः व्यथित होकर मेरे द्वारा RTI 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा रही है, अतः वांछित जानकारी RTI के नियम प्रावधानों के तहत समय सीमा पर उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। यदि जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आवेदक RTI की धारा 18 के तहत जो शिकायत का प्रावधान होता है माननीय मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयुक्त भोपाल के समक्ष भी शिकायत करने के लिए बाध्य होगा। कृपया संलग्न RTI का जो आवेदन दिया था हमने प्रथम वाला वो संलग्न कर दिया और प्रथम अपीलीय आवेदन के साथ ₹50 का जो IPO क्रमांक यहाँ पर 11/2/2020 को मैंने ये दे दिया, ये आप देख सकते हैं। तो यद्यपि हमने इनको काफी टाइम दिया, यदि आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में
हमने इनको काफी टाइम दिया, क्योंकि 6/2/2020 को हमने आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया था और 11 को हमने दिया, तो मतलब पूरा 6 दिन का टाइम दिया। एक्चुअली 48 घंटे के तुरंत बाद हम, जैसे आज हमने आवेदन दिया आरटीआई का, 48 घंटे की आरटीआई, परसों हम इसकी प्रथम अपील कर सकते हैं, और परसों ही प्रथम अपील और परसों ही द्वितीय अपील कर सकते हैं, क्योंकि 48 घंटे तक हम इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन इस आरटीआई कानून में जो धारा 7(1) के तहत लाइफ और लिबर्टी का प्रश्न रहता है, इसमें ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि आप प्रथम अपील और इसकी द्वितीय अपील कब करेंगे। ये तो है कि 48 घंटे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, आप आरटीआई लगा सकते हैं धारा 7(1) के तहत, लेकिन प्रथम अपील फिर कब करना है, द्वितीय अपील कहाँ करना है, कहाँ करना है तो ठीक है, और प्रथम अपील भी कहाँ करना है ये तो पता है, लेकिन कब करना है इसकी कोई समय सीमा नहीं रहती है। तो जैसे ही 48 घंटे आपका खत्म हो जाए तो आप अगले ही दिन आप प्रथम अपील भेज दें और द्वितीय अपील भी भेज सकते हैं, जो उसके प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी है, अथवा आप साल भर भी इंतजार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही कहता है नियम। तो बेहतर है कि आप धारा 18 की शक्ति का भी उपयोग करें, प्रथम अपील भी प्रस्तुत कर दें और द्वितीय अपील भी प्रस्तुत कर दें 48 घंटे के बाद, यदि आपका लोक सूचना अधिकारी सुन ना रहा हो तो। ये तो हो गया आपका प्रथम अपील। फिर ये मामला कहाँ से उठा था, इस पर भी थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। ट्विटर में देखिए इंफॉर्मेशन कमीशन का ये ट्वीट आया था, किरण नारायण जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। किरण नारायण जी की ट्वीट पहले मैं आपको दिखा दूं। किरण नारायण जी की ये ट्वीट थी कि इस बुजुर्ग व्यक्ति के राशन कार्ड में क्या कमी है, जो 4 साल से सरकारी राशन की दुकान के सेल्समैन अनाज नहीं देते, इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, अकेला बुजुर्ग व्यक्ति राशन कार्ड होने के बाद भी अनाज से वंचित, लिंक में राशन कार्ड का विवरण दिया था उन्होंने। फिर आखिर इस राशन कार्ड में क्या कमी है जो 4 साल से सरकारी राशन की दुकान के सेल्समैन अनाज नहीं देते, बहुत वाजिब क्वेश्चन है, आखिर इस राशन कार्ड में क्या कमी है, अनाज नहीं देते, ठीक है, उसी बात को दोबारा रिपीट हो गया होगा। तो फिर इस पर जो ध्यान गया माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय का, और उन्होंने ट्वीट किया था कि इस संबंध में आप बुजुर्ग की एक बुजुर्ग की ओर से एक आरटीआई संबंधित कार्यालय में लगाएं, आवेदन में जानकारी 7(1) धारा 7(1) के तहत 48 घंटे में जानकारी देने के लिए कहें, क्योंकि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन से है, 48 घंटे में कार्यवाही नहीं होने पर सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इनफैक्ट आरटीआई तो हम भी लगाते थे, जानते थे, लेकिन सही मायने में आरटीआई 48 घंटे में लगाना है, 7(1) के तहत जानकारी लेना है, ये बात हमें उसी दिन मतलब गंभीरता से पता चली थी। पढ़ने पढ़ाने को तो आदमी बहुत कुछ किताबी कीड़ा के तौर पे आदमी जान लेता है कि यहाँ पढ़ लिया वहाँ पढ़ लिया, लेकिन कैसे करना है पहली बार मुझे पता चला था। और माननीय आयुक्त महोदय ने ये भी कहा था कि नारायण जी ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, मैं माननीय श्री मंत्री श्री कमलेश्वर जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकरण में संज्ञान लेकर उचित निराकरण करें। यहाँ तक कि उन्होंने, चूंकि ये मामला ही ऐसा था किसी व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार से संबंधित था, तो आयुक्त महोदय ने इस बात पर इस स्तर पर जाकर के कार्यवाही करने के लिए कहा था। और फिर इसके बाद हमारी जब चर्चा हुई तो मार्गदर्शन में हमने 6(1)/7(1) के तहत आरटीआई लगाया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो जानकारी जो दूसरे पॉइंट पे आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया था। यद्यपि जब आप 48 घंटे की आरटीआई लगाएं तो विशेष तौर पर ध्यान रखें 48 आवर्स की धारा 7(1) के तहत की कोई भी एडिशनल ऐसा बिंदु ना पूछे जिसकी वजह से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आवेदन वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि मामला ऐसा था, लेकिन कर सकते एक आदमी ये कह सकता था, घुमा सकता था कि आपने जो दूसरे बिंदु पर जानकारी, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पहले बिंदु पर 48 घंटे की लाइफ और लिबर्टी की जानकारी में अगली है, तो दूसरा बिंदु तो आप बाद में पढ़ेंगे, पहले आप पहला पढ़िए। और ये मैंने थोड़ा अपने आपको स्मार्ट दिखाने के लिए काम कर लिया था कि चलो इसी आरटीआई में जनवरी 2019 से 2020 के बीच में वितरण और आवंटन की हमें सूची भी मिल जाएगी, तो और भी जो इस तरह से घोटाले हुए हैं, क्योंकि सरई पंचायत की कंप्लेन एक लंबे अरसे से आ रही थी, तो हमें लग रहा था कि इसी बहाने जल्दी जानकारी हमें भी, मैं थोड़ा लालची हो गया था यहाँ पे, मैं आपको सही बताऊं, ये मेरी लालच की वजह से कि एक ही तीर में अपन दो निशाने कर लेंगे, हमें अलग से इसमें आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, हमारा ये सक्सेस भी हुआ, लेकिन अभी हम आपको बताएं एक बिंदु की दूसरे बिंदु की जानकारी आज तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। किसी के साथ नॉइज आ रही है, किसी के मोबाइल से नॉइज आ रही है, कृपया म्यूट कर देते हैं। तो ये दूसरे कृपया आप लोग म्यूट कर लें अपना, कहीं से तो नॉइज आ रही है।
तो अपन जो चर्चा कर रहे थे, तो दूसरे बिंदु की जानकारी हमें आज भी नहीं मिली है। हाँ, दूसरे बिंदु की जानकारी हमें ऑनलाइन जब सिस्टम हुआ है, पीडीएस का, एपीयूएस का ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, तो सितंबर 2019 से लेकर के फरवरी 2020 तक की जानकारी तो मुझे ऑनलाइन रिकॉर्ड में मिल गई थी 65 पन्ने, लेकिन जनवरी से लेकर के अगस्त सितंबर तक की जानकारी नहीं मिली थी। ये बताया गया था कि वो भोपाल में एनआईसी में उपलब्ध है, उसकी हमने द्वितीय अपील भी कर दी है और उसकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है, अब होने वाली है फिलहाल। हमारा तब भी हमने प्रयास किया 2-4 पत्राचार करके, हमें जानकारी बिना द्वितीय अपील किए ही मिल जाए, लेकिन ये मिल नहीं पाई थी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इसमें प्रथम आवेदन लगाया और फिर प्रथम अपील की। अब हम आपको आ जाते हैं अगले उसमें कि हमने इस पर फिर धारा 18 की शिकायत इस पर किस तरह से हमने की, इसको स्टॉप शेयरिंग करके, और हम आते हैं धारा 18 की शिकायत पर। आप देख रहे होंगे हमारा ये ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है हमारा, हमारे एलुमनी एसोसिएशन का है, आईआईटी बॉम्बे का, मैं आप लोगों भी देख रहे होंगे। तो यहीं से हमने हमने इसको ये ईमेल माननीय सूचना आयुक्त महोदय को हमने यहां से भेजा था, और हमने किस तरह से इसकी हेडिंग बनाई हो आप देख लीजिए। हमने कहा कि आरटीआई की धारा 18 के तहत हमने किस दिनांक को भेजा था, देखिए 11 को हमने प्रथम अपील की, फिर 12 को ही हमने द्वितीय अपील कर दी, देख रहे हैं ना, वेडनेसडे फरवरी 12, 2020 @11:08 AM है ना। इसमें मैंने किन किन को भेजा था, श्री राहुल सिंह सर को भेजा था उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी में, फिर मैंने कमिश्नर रीवा संभाग को भी भेज दिया था, डीएम रीवा को भेज दिया था, इनके डीएम की तीनों, सीएस चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया था, और सीएम को भी भेज दिया था। मैंने कहा था कि ठीक है, ईमेल आप भेज रहे हैं तो संबंधित जो भी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं या जिनके पास पावर है एक्शन लेने की, उनको सबको इसमें संलग्न कर दिया जाए। हमने कहा कि आरटीआई की धारा 18 के तहत खाद्य विभाग की शिकायत धारा 7(1) में जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन एवं 48 घंटे में खिलाड़ी कोल एवं बहुविकलांग एवं मानसिक विकलांग की जानकारी न मिलने पर प्रथम अपील भी किए जाने पर पावती नहीं दिए जाने विषय कार्यवाही बाबत। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अपन धारा 18 की जो शिकायत करते हैं उसमें कार्यवाही की मांग कर सकते हैं, ज्यादा अपन ये नहीं बोल सकते कि वो हमें जानकारी उपलब्ध करवाएं, पर चूंकि 48 घंटे का मामला रहता है तो सर्व अधिकार सुरक्षित रहते हैं आयोग के पास में कि वो जानकारी भी आपको उपलब्ध करवा ही देगा, क्योंकि सामने वाले को तो जानकारी देना ही पड़ेगा क्योंकि 48 घंटे का उसने वायलेशन किया है। आप इसमें देखिए, हमने राज्य सूचना आयुक्त को धारा 18 के तहत शिकायत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, मैंने इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, मेरे द्वारा जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में दिनांक 6/2/2020 को आरटीआई 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो बिंदुओं पर जानकारी चाही गई थी, 6(1)/7 कर दीजिए, जो ग्राम पंचायत सरई कला जनपद पंचायत गंगेयो के खाद्यान्न से वंचित दिव्यांग परिवार एवं पीड़ित हितग्राहियों के विषय में थी। किसी गरीब और दिव्यांग अथवा बहुविकलांग मानसिक दृष्टि से अक्षम हितग्राही के खाद्यान्न को उसे न प्रदान किया जाना मानवाधिकार के घोर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। आरटीआई के साथ आरटीआई 2005 की धारा 7(1) के अनुसार जीवन जीने के मानव के अधिकार से वंचित करने की श्रेणी में भी आता है, जो जानकारी 48 घंटे में आवेदक को प्रदान किए जाने का प्रावधान होता है। खिलाड़ी कोल एवं शांति देवी यादव, जिनकी समग्र परिवार आईडी क्रम से हमने लिख दिया, बेहद गरीब और अक्षम परिवार की श्रेणी में आते हैं, और सरकार ने इसी बाबत इन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत खाद्य सामग्री राशन की व्यवस्था हेतु पात्रता पर्ची जारी की थी, परंतु हितग्राही पीड़ितों द्वारा बताया गया कि उन्हें सरकारी खाद्यान्न की पात्रता पर्ची जारी होने के बावजूद भी जीवन जीने के अधिकार जिसमें अन्न सम्मिलित है उससे वंचित रखा गया है। आरटीआई 2005 की धारा 7(1) के तहत यह जानकारी 48 घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए, परंतु 48 घंटे बीत जाने के उपरांत भी जानकारी ना प्रदान किया जाना यह दर्शाता है कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी को ना तो आरटीआई 2005 के नियम कायदों की परवाह है और ना ही मानवाधिकार की सुरक्षा की। आप लोग म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है, आप लोग कृपया म्यूट कर लें, है ना, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हैं, आप लोग म्यूट कर लें। अतः व्यथित होकर मेरे द्वारा आरटीआई 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिए आवेदन संग्रहण करने वाले सहायक लोक सूचना अधिकारी रमेश कुमार श्रीवास्तव और उनके बाबू के उपस्थित न होने के कारण दिनांक 11 फरवरी को पूरे दिन उनका इंतजार करना पड़ा। जब कोई भी कर्मचारी अपनी कुर्सी पर उपस्थित नहीं हुए तो उन्हें मेरे साथी अनिल सिंह द्वारा ढूंढते हुए टीएल मीटिंग कक्ष में पाया गया, जिन्हें प्रथम अपील का आवेदन देकर पावती देने की बात कही गई तो बाबू द्वारा पावती नहीं दी गई
और कहा गया कि अपील की पावती देने का प्रावधान कलेक्टर कोर्ट में नहीं है। इस प्रकार मजबूर होकर आवेदन वहीं बाबू के पास छोड़कर आना पड़ा। अच्छा महोदय, महोदय कलेक्टर कार्यालय में आरटीआई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ यह हमेशा ही होता आया है कि ना तो कोई आरटीआई आवेदन लेने वाला उपस्थित रहता है और ना ही प्रथम अपील का ही आवेदन लेने वाला। अतः निश्चित ही सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सभी आरटीआई के नियमों के उल्लंघन के चलते नियमानुसार दंड के पात्र हैं। खिलाड़ी कोल एवं शांति देवी यादव दोनों के केस में चूंकि जानकारी 48 घंटे के भीतर उपलब्ध नहीं करवाई गई है और साथ ही मामले में लापरवाही पूर्वक असंवेदनशील ढंग से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया गया है और एक गरीब पीड़ित व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार का भी हनन हुआ है, अतः निश्चित तौर पर यह उक्त समस्त जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी विधि अनुसार दंड के पात्र हैं। संलग्न कृपया संलग्न आरटीआई की हमने जो भी धारा 6(7) के तहत पीआईओ खाद्य विभाग को प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्राप्त करने का कष्ट करें एवं साथ ही बिना पावती दिए गए प्रथम अपील के आवेदन की भी प्रति प्राप्त करने का कष्ट करें। साथ में मामले को उठाए जाने विषय कृष्णनारायण दुबे द्वारा ट्विटर में माननीय सूचना आयुक्त को भेजा गया ट्वीट एवं तत्पश्चात सूचना आयुक्त महोदय द्वारा रिप्लाई किया गया ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी संलग्न है। इस तरह से हमने अपना जो भी है इसमें सब संलग्न कर दिया था। ईमेल जो मैंने भेजा था संलग्न करके, इसमें आप देख सकते हैं कि वो सारी चीजें हमने सब सारी चीजें इसमें ईमेल में हमने भेज दी थी। और एक छोटा सा मुद्दा जब ट्वीट में उठा और ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये मुद्दा उठा और किस तरह से इसको कवर किया गया, कैसे कैसे इस पर आरटीआई लगाई गई और कैसे 48 घंटे की आरटीआई का खुलासा हुआ, धारा 7(1) का जो नियम प्रावधान है लाइफ और लिबर्टी, उसका किस तरह के एक सकारात्मक ढंग से, एक वेरी कंस्ट्रक्टिव वे में इसका उपयोग हुआ, ये अपन समझ सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पे एक पाथ ब्रेकिंग था और हमारे मध्य प्रदेश के सूचना आयोग के इतिहास में तो शायद पहली बार ही ऐसा सुनने को मिला है, होता रहा होगा लेकिन इतना एक्सपोज तो नहीं हुआ था। और वर्तमान सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह के कार्यकाल में जो भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं उनमें से एक यह भी एक ऐतिहासिक कार्य है कि उनके द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया। और फिर इसकी पेशी हुई थी, पेशी में हमने आपको बताया था शायद 5 मार्च को या कब तो पेशी इसकी हुई थी सूचना आयोग में, उसमें श्री राजन सिंह ठाकुर जी थे जो हमारे पूर्व जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक थे जिनका दुखद कोरोना में मतलब डेथ हो गया और तो वो वहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था जो भी उन्होंने समझ में आया, क्योंकि ठीक है अब एक व्यक्ति की बात नहीं होती है कि एक जनरल फ्रेमवर्क है, एक अपन लोक सूचना अधिकारियों पे तो कार्यवाहियां हो रही हैं लेकिन एक जनरल माइंड फ्रेम लोगों ने ऐसे बना लिया है कि आरटीआई को अपन अवॉइड करेंगे, तो उस अवॉइडेंस का अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हर प्रकार के लोक सूचना अधिकारी भुगत रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका लोगों को उसको कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, पे किए तो कुछ फाइन भी लगी और साथ में बाद में कुछ जानकारी भी जैसा कि हमने आपको बताया उन्होंने उपलब्ध कराई। उस जानकारी में खिलाड़ी कोल के विषय में कुछ जानकारी मिली थी जिसमें किरणनारायण दुबे जी हमारे बीच में है। किरणनारायण दुबे जी बताएंगे क्या आप जानकारी दी थी उन्होंने खिलाड़ी कोल वाले मामले में और ये बहुविकलांग वाले केस में। बहुविकलांग केस वाले में उनने क्या किया था कि वो व्यक्ति दो गांवों का निवासी था, तो एक गांव में वो राशन रेगुलर ले रहा था अपने हाथों में और इस गांव में उसका राशन निकासी हो रहा था लेकिन उसे जो निकासी कर रहा था वही हजम कर रहा था। तो ये इशू आया था उसके लालमणि और बहुविकलांग वाले में। और खिलाड़ी कॉल वाले में प्रकरण ये था कि इसका येलो कार्ड कम से कम 15-20 साल पुराना है लेकिन जब ये समग्र खाद्य और समग्र वाला सिस्टम आया तो इस सिस्टम में पता नहीं क्यों करके इसकी खाद्यान्न पर्ची ही जारी नहीं की गई। पीले कार्ड के दम पर जो पूर्व सरपंच महोदय थे इनने इनको लगभग 1.5 वर्ष अनाज दिलवाया, 14 में आधा और 6 महीने और 15 में 12 महीने, 16 से कंटिन्यू ये 5 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे इनको अनाज नहीं मिला। अभी सितंबर महीने में आदरणीय सुभाष द्विवेदी सर ने इनके 1 महीने का खाद्यान्न दिलवाया था और इसके अलावा तो अभी इनके लिए सोनापन ही है। नहीं तो देखिए कितनी विडंबना की स्थिति है कि आरटीआई लगाने के बावजूद भी, देखिए अभी ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है,
एक जो पात्र हितग्राही है जिसे खाद्यान्न मिलना चाहिए था, उसको सिर्फ एक कृपा पात्र कृपा के ढंग से उनको 1 महीने का खाद्यान्न, 2 महीने का खाद्यान्न हमने दिलवा दिया, वो तो हम अपने भी घर से उनको दे देते, हमारे पास आते तो उनको एक आध बोरी जो भी गेहूं चावल होता है आदमी दे देता है। तो ये नहीं है, क्या आप उसको नियमानुसार जुड़वा पाए, नहीं जुड़वा पाए। तो इससे यही साबित होता है कि किस तरह से लोगों का, खाद्य विभाग का और जो जिम्मेदार लोग हैं, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अभी उन्हें हमने आपको बताया कि 9 लाख लोगों का या समथिंग अबाउट समथिंग ऐसे ही है, फिर से पात्रता पर्ची जनरेट करने के लिए बोला गया है। अब उसमें भी फीडिंग में भी आपने जो जानकारी दी है, दुख हो रहा है जानकर के, ये पावर रोजगार सहायक के पास दी हुई है, रोजगार सहायक को आईडी खोल दी हुई है खाद्य विभाग ने, वो फीड करता जाए और पूरी जानकारियां दिसंबर महीने में पात्रता पर्चियां जारी हो जाएंगी पात्र लोगों की, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार सहायक फीडिंग नहीं कर रहे हैं, हर तरह से यही समस्याएं आ रही है। अब इस बात को देखना चाहिए सरकार को, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बहरहाल आपके सरई वाले मामले में तो काफी कोई डेवलपमेंट भी हुआ है, फिर इसके बाद शिकायतें हुई थी, जांच हुई थी। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्चुअल में जो 13 या 14 में राशन कार्ड बनाए जाने थे, तो हुआ यूं था कि जो अगर सरई ग्राम पंचायत की एक्चुअल आबादी 3,500 के अंदर ही होगी, लेकिन जो इनमें समग्र फीडिंग या समग्र पंजी जब बनाने लगे तो कई लोगों के या कई परिवारों की डबल ट्रिपल और मतलब मल्टीपल आईडी बना दी, तो इसलिए सरई ग्राम पंचायत की आबादी करीब करीब 5,000 से ऊपर पहुंच गई। और इनके ऊपर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो प्रतिशत वाला मामला था, तो उस प्रतिशत वाले मामले में इनको शायद 70% या 75% कुल आबादी का राशन कार्ड बनाना था। तो उस कुल आबादी के राशन कार्ड के चलते इनने क्या किया कि उन्हीं लोगों को दो दो बार, तीन तीन बार, या कुछ परिवार का कुछ हिस्सा अलग से निकाल कर उसे रिपीट कर दिया।